आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 7081 नए केस हुए दर्ज। ओमिक्रॉन के अब तक 145 लोग संक्रमित। पीएम मोदी आज गोवा मुक्ति दिवस समारोह में होंगे शामिल। 650 करोड़ के प्रोजेक्ट की देंगे सौगात। आचार संहिता से पहले उत्तराखंड पुलिस में भारी तबादले। इधर से उधर किए गए 28 अफसर। आज पिथौरागढ़ में लगेगा कांग्रेस के दिग्गजों का जमावड़ा। सैनिकों के बाद अब किसानों को साधने की रणनीति। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और मुख्यमंत्री बागेश्वर में भाजपा विजय संकल्प यात्रा को करेंगे रवाना। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। हरिद्वार की विधानसभा ज्वालापुर के गांव पंचपुरी गढ़मीरपुर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा भगाओ महंगाई हटाओ अभियान के तहत विशाल जनसभा कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार कुछ भी कर सकती है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्रियों के बदलने का सिलसिला लगातार जारी है और आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। जिस सरकार को उत्तराखंड के लोगों ने 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत देकर सरकार बनाने का अवसर दिया था, उन लोगों ने लगातार जनविरोधी निर्णय लेने का काम किया। आज किसान भी हताश निराश है, नौजवान भी हताश और निराश है, महंगाई अपने चरम पर है और 100 दिन के अंदर जो है लोकायुक्त लाने की बात कही थी, लोकायुक्त का कहीं अता पता नहीं है। भू कानून को ध्वस्त करने का काम किया है, तीर्थ विरोधी सड़कों पर संघर्ष करने के लिए काम करते रहे। गरीब व्यक्ति का जीना दूरभ हो गया है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, विकास के कार्य अवरुद्ध हैं। कोरोना की महामारी से लड़ने में सरकार पूरी तरह अक्षम साबित हुई है। बहुत सारी लंबी चौड़ी फेहरिस्त है, लोगों को जो है निश्चित रूप से इस सरकार पर अब विश्वास नहीं रह गया है। वो कांग्रेस की ओर आशा भरी निगाह से देख रहे हैं और परिवर्तन यात्रा में जिस तरीके से लोगों का समर्थन मिला, हम कह सकते हैं कि 2022 के चुनाव में प्रचंड बहुमत से इस सूबे के। अगली खबर कलियर से है, जहां विश्व अल्पसंख्यक दिवस के मौके पर पिरान कलियर हज हाउस सभागार में ऑल इंडिया वक्फ वेलफेयर फोरम के तत्वाधान में वक्फ बोर्ड की संपत्ति बचाओ संबंधित मीटिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्य मंत्री शमीम आलम ने कहा कि वक्फ बोर्ड दरगाह कलियर समेत अन्य जगहों की दरगाह, मस्जिद, कब्रिस्तान, वक्फ की सभी संपत्तियों को बचाने के लिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। आगे उन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्ति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। वहीं ऑल इंडिया वक्फ वेलफेयर फोरम के अध्यक्ष जावेद अहमद ने बताया कि लंबे समय से वक्फ की संपत्तियों का सर्वे नहीं हुआ है, जिस वजह से वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे करने का काम भू माफिया कर रहे हैं। तो हज हाउस सभागार में एक मीटिंग आयोजित की गई थी, पिरान कलियर में ये पूरी मीटिंग जो थी वो आयोजित की गई थी, जहां पर वक्फ बोर्ड के तमाम अधिकारी वहां मौजूद रहे थे। वहीं आपको बता दें कि विश्व अल्पसंख्यक दिवस के मौके पर हज हाउस में ये मीटिंग रखी गई थी, जहां ऑल इंडिया वक्फ वेलफेयर फोरम के तत्वाधान में संपत्ति बचाओ संबंधित मीटिंग का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री शमीम आलम मौजूद रहे, जहां पर उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड दरगाह कलियर समेत अन्य जगहों पर सभी संपत्तियों को बचाने के लिए लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। जिस प्रकार से लगातार संपत्ति में भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं, उससे लोगों को बचाने की जरूरत है। वहीं पर क्या कुछ इस पूरी मीटिंग में बयानबाजी रही, आइए आपको दिखाते हैं। विषय है कि दरगाह पिरान कलियर की शरीफ की जो भूमि बादशाह शाहजहां ने साबिर साहब को दिया था वो पूरा कलियर है। उसके अलावा और भी बिजनौर में भी है और जगह भी बहुत जमीन है, तकरीबन कोई 5000 बीघा इसकी जमीन है। लेकिन आज जो है
कुछ लोगों ने अपने नाम करा ली है, चकबंदी में करा ली है, कुछ की रजिस्ट्रियाँ उल्टी सीधी हो गई है, कुछ को और हड़पना चाहते हैं, और जो यहाँ के खिदमतकार बताते हैं अपने आप को, अल्लाह मंसूर साहब जो इंतकाल हो गया है उनका, उनके वालिद, फिर उनके वालिद, फिर उनके वालिद, फिर उनके वालिद, कई पीढ़ियों से इस खिदमत की बजाय इस जमीन को कैसे हड़पा जाए, सारी पीढ़ियां कोशिश कर करके जो है ना। अल्मोड़ा को सांस्कृतिक नगर कहा जाता है, लेकिन इन दिनों अल्मोड़ा के प्रवेश द्वार लोधिया में अवैध रूप से मिट्टी डालने का काम धड़ल्ले से जारी है, जहां प्रतिबंधित क्षेत्र के होने के बावजूद कुछ लोग रात के अंधेरे में अवैध रूप से मिट्टी डाल रहे हैं, जिससे सड़क के दोनों ओर मिट्टी का ढेर लग चुका है। बल्कि यही नहीं, जगह जगह मिट्टी का ढेर लगने से सड़क दुर्घटना का खतरा भी बढ़ गया है। इस संबंध में अधिकारियों ने कार्यवाही के निर्देश तो दे दिए हैं, लेकिन ये निर्देश बैठकों तक ही सीमित है। मेरी अभी इंस्पेक्टर साहब से भी बात हुई है और आप ही के माध्यम से हमको सूचना भी मिली है इस संबंध में, तो हम रात के लिए भी टीम बना रहे हैं और पुलिस को भी बता दिया है कि वहाँ लगातार रात में भी दिन में भी गश्त रहेगी और जो भी इस तरह की। विधानसभा ज्वालापुर के गांव गढ़मीरपुर में 5 साल बीत जाने के बाद भी संपर्क मार्ग खस्ता हाल में पड़ा हुआ है। आज जब प्राइम टीवी की टीम गांव में पहुंची तो वहां पर पानी की निकासी न होने के कारण सड़क गड्ढों में तब्दील हो गए, जिसका हम लोगों ने ग्राउंड जीरो पर जाकर निरीक्षण किया, जिसके बाद शिकायत की गई, लेकिन बावजूद इसके कोई प्रशासनिक अधिकारी ग्रामीणों की समस्या पर ध्यान नहीं दे रहा है। आइए आपको दिखाते हैं गांव की ये बेहाल तस्वीरें। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर गाँव में कूड़े का ढेर लगा हुआ है। वही हमारे संवाददाता गढ़मीरपुर गांव में पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने तमाम अव्यवस्थाओं का जायजा लिया। आज हम आपको दिखाते हैं प्राइम टीवी चैनल की टीम आज विधानसभा ज्वालापुर के गांव गढ़मीरपुर में पहुंच चुकी है। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि 5 साल होने के बाद भी यहां पर इतनी गंदगी फैली हुई है। एक तरफ तो सरकार स्वच्छ अभियान चलाए हुए हैं, वहीं दूसरी ओर आपको दिखाते हैं कि यहाँ इस तरह की गंदगी फैली हुई है कि यहाँ पर अनेक संक्रमण और खतरनाक बीमारियां होने का खतरा फैल रहा है। सरकार को देखते हैं कि इस 5 साल के बाद भी अब तक यहां पर कोई सुधार नहीं हो चुका है, और फिर भी सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि हम स्वच्छ अभियान चला रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि यहां पर किस तरह की गंदगी फैली हुई है। रामपाल सैनी, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि इस यहाँ किस प्रकार की गंदगी फैली हुई है। 5 साल देखने में देख आ रहे हैं, फिर भी देखो 5 सालों में सरकार द्वारा क्या यही विकास हो रहा है, जहाँ स्वच्छ अभियान और सभी अभियान के सरकार नारे लगा रही है, पर धरातल पर कुछ भी देखने को नहीं हो रहा मिल रहा। वहीं चंपावत के सीमांत टनकपुर महाविद्यालय में नमामि गंगे नदी उत्सव समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को शास्त्रीय संगीत की जुगलबंदी देखने को मिली। इस दौरान महिला सशक्तिकरण पर्यावरण के लिए गुलमोहर गर्ल से मशहूर तनुजा जोशी और धीरज उपरोती को भी सम्मानित किया गया था। आजादी का अमृत महोत्सव इस समय पूरे देश में मनाया जा रहा है, उसी के तहत एक सांस्कृतिक महफिल हमने आज यहाँ करी और कोशिश है कि किसी न किसी बहाने हर माध्यम से लोगों को जोड़ा जाए। और चूंकि शास्त्रीय संगीत एक पूरे विश्व में पुरातन और यहाँ का एक शास्त्र से जुड़ा हुआ भारतीय संगीत की अपनी महत्ता है, तो सबसे सुगम माध्यम भी होता है संगीत सबको जोड़ने का, इस बहाने से आयोजन। वही खबर रुड़की से है, जहां पर बीएसएम इंटर कॉलेज में 3 दिवसीय भारत स्काउट एंड गाइड शिविर का समापन हुआ, जिसमें छात्र छात्राओं के सहयोग का भाव सिखाया गया। इस दौरान जिला कमिश्नर और बीएसएम इंटर कॉलेज में प्रवक्ता डॉक्टर अनिल शर्मा ने बताया कि स्काउट गाइड के छात्र छात्राओं को जन सेवक बनाया गया है। उत्तराखंड में कई इलाके शीतलहर की चपेट में हैं, खासकर हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून में हल्का कोहरा छाने के रहने से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है।
पहाड़ों में पाला गिरने से कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। राज्य मौसम विज्ञान केंद्र ने यही स्थिति अगले चार दिनों तक बनी रहने की आशंका भी जताई है। मैदानों में शीतलहर को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बच्चों और बुजुर्गों को स्वास्थ्य के लिहाज से सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में रानी चौरी का न्यूनतम तापमान सबसे कम -2.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि खटीमा का अधिकतम तापमान सबसे अधिक 23 डिग्री सेल्सियस जो था दर्ज किया गया। इसके अलावा ज्यादातर शहरों का तापमान सामान्य से 2 या 5 डिग्री सेल्सियस गिरा हुआ दर्ज किया गया। वहीं इस वक्त उत्तराखंड में जो पर्यटक पहुंचे हुए हैं वो बर्फबारी का भी लुत्फ उठाते दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।